हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रैशनल फंक्शन ऑफ द टाइप टू। ठीक है, इससे पहले टाइप वन और टाइप टू आपका हो गया है, तो आज हम लोग टाइप थ्री और टाइप फोर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये टाइप थ्री और टाइप फोर को डिस्कस करने से पहले आपको टाइप वन और टाइप टू का जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर ये टाइप थ्री और फोर आपको समझ में नहीं आएगा। और वन और टू के अलावा जो बेसिक इंटीग्रेशन है वो भी आपको जानकारी होना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। तो वो सब सारा वीडियो जब देख लीजिएगा उसके बाद इस लेक्चर आप शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे टाइप थ्री और टाइप फोर लिए हुए। तो टाइप थ्री और टाइप फोर क्या है, अभी धीरे धीरे करके आपको हम बता देते हैं। यहां पे हम छह क्वेश्चन भी लिए हुए हैं, छह क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। इसमें मिला हुआ है कुछ टाइप थ्री का है, उसमें कुछ रिड्यूसिबल का है और टाइप फोर का कुछ क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके आपको बता देते हैं। जो टाइप थ्री है हम लोग का वो है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक ऊपर में लीनियर फंक्शन रहेगा, लीनियर पॉलीनोमियल रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रहेगा। ठीक है, तो ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और इसमें रिड्यूस होके कोई फंक्शन है जो लीनियर अपन क्वाड्रेटिक में नहीं दिया लेकिन इसमें रिड्यूस होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और एक ये फंक्शन है पी एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पी एक्स क्या, ये कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। सर बोले कोई भी पॉलिनोमियल मतलब ये जो पी एक्स का डिग्री है या दो से अधिक होगा, दो या दो से अधिक होगा, ग्रेटर इक्वल टू टू होगा। मतलब इसका डिग्री देखिए, नीचे वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें डिग्री कितना, दो है, तो ऊपर वाला का डिग्री या तो इसके बराबर ही होगा मतलब दो होगा या तो दो से ज़्यादा होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें टाइप थ्री में देख रहे हैं लीनियर, लीनियर में डिग्री वन होता है, नीचे दो है, नीचे वाला डिग्री ज़्यादा रहेगा ऊपर वाला डिग्री कम रहेगा तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ऊपर वाला डिग्री नीचे वाला डिग्री बराबर रहेगा या तो फिर ऊपर वाला नीचे से ज़्यादा रहेगा तो फिर सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आता है। लेकिन दोनों का प्रोसेस अभी आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताते हैं। पहले टाइप थ्री बता देते हैं हम, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं और टाइप थ्री समझाते हैं आपको। देखिए टाइप थ्री जो हम लोग का है, जो टाइप थ्री है ये हम लोग का है पी एक्स प्लस क्यू, यानी कि लीनियर अपन क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको शुरू से, जब क्लास वन से हमको आपको यही बता रहे हैं कि इस तरह का फंक्शन कुछ भी रहेगा तो ऊपर वाला को हमको नीचे वाला के फॉर्मेट में लाना पड़ता है। ठीक है, तभी क्वेश्चन रैशनल फंक्शन रहे चाहे क्वाड्रेटिक चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक भी रहता है तो यही बताते हैं कि अगर ये ऊपर वाला को हम लोग नीचे के फॉर्मेट में ले आएँ, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। ठीक है, तो नीचे के फॉर्मेट में लाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर लीनियर ओपन क्वाड्रेटिक रहा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला को जो है नीचे का फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे वाला का। ठीक है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन लेमडा टाइम्स। ठीक है, लेमडा एक कॉन्स्टेंट लेंगे, लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू। ठीक है, दो कॉन्स्टेंट है, एक लेमडा है और एक म्यू है। ठीक है, इन दोनों कांस्टेंट का वैल्यू हमको निकालना है और दोनों कांस्टेंट का वैल्यू को निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा अभी समझाते हैं। ठीक है, करेंगे क्या, इस पी एक्स प्लस क्यू को क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला प्लस म्यू। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स और डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा टू ए एक्स प्लस बी, यही हो जाएगा है ना, और प्लस म्यू। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू टू लेमडा ए एक्स प्लस लेमडा बी प्लस म्यू। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें और इसमें कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कंपेयर करेंगे आपका जो है लेमडा और म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब इसमें देखिए एक्स वाला कोफिशियंट यहाँ पे पी है, यहाँ पे एक्स वाला कोफिशियंट टू लेमडा ए है, इसको इससे कंपेयर कर देंगे और ये लेमडा बी प्लस म्यू ये पूरा पूरी कॉन्स्टेंट है, इसको इससे कंपेयर कर देंगे तो आपका लेमडा और म्यू दोनों का वैल्यू आ जाएगा। और जैसे लेमडा और म्यू का वैल्यू दोनों आ जाएगा इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे आपको इस फॉर्मेट में करके, तो सब्सटीट्यूट जैसे करेंगे आपका टूट जाएगा। टूटेगा जैसे पिछला लेक्चर में जो फंक्शन वन और फंक्शन टू बताया ना, रैशनल फंक्शन वन और टू, उस फॉर्मेट में टूट जाएगा तो फिर आप जो है फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो रहा पहला मेथड को है ना, और दूसरा मेथड भी बता देते हैं, एक साथ पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसका टाइप थ्री का यहां तक है, देखिए वन टू थ्री फोर है ना, ये टाइप थ्री का है, फाइव सिक्स टाइप फोर का है, उसको उसका थ्योरी भी बाद में बता देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं चार क्वेश्चन है ना, यही मेथड को लगाना है। तो अगर नोट करना चाहे तो कर लीजिए,
तो पहला क्वेश्चन को देखिए, सेम उसी मेथड से हम लोग को करना है। पहला क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर वन इसमें है इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। क्या नियम बताए हैं, इस एक्स को क्या लिखना है, ऊपर वाला को, इस ऊपर वाला को नीचे वाला का डिफरेंशिएशन प्लस म्यू लैम्डा टाइम्स करके, तो लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस म्यू। आप कंपेयर कर लीजिए, तो जिससे कंपेयर कीजिएगा, देखिए आप पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते, हो जाएगा टू लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा प्लस म्यू, ये लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, ये म्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स वाला के साथ ये एक्स वाला कंपेयर होगा, और ये लैम्डा प्लस म्यू यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कांस्टेंट जीरो है, तो ये जीरो के साथ कंपेयर होगा, है ना। तो चलिए, तो ये टू लैम्डा एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्स कट के टू लैम्डा बराबर वन हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू वन बाय टू आ गया, ठीक। और लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू जीरो के बराबर, लैम्डा प्लस म्यू का बराबर जीरो, और लैम्डा वैल्यू वन बाई टू है, वन बाई टू प्लस म्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि म्यू इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ गया। तो लैम्डा का भी वैल्यू मिल गया और म्यू का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। यही प्रोसेस हमको लैम्डा और म्यू का वैल्यू, ये पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, इसको हम साइड में करके लिख लेंगे, है ना। तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू सिर्फ चाहिए हमको, और कुछ नहीं करना, ठीक। तो ये पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम बस खाली साइड में हम लोग क्या लिख लेंगे, लैम्डा का वैल्यू लिख लेंगे कितना आया है, वन बाई टू आया, और म्यू का वैल्यू कितना आया, माइनस वन बाई टू आया। दो वैल्यू का तो हमको जरूरत है, बाकी सबका कोई काम नहीं, अभी यहाँ से हटा देते। अब हम इंटीग्रेशन में आते हैं, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन कैसे करना होता है, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्स को क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन, और प्लस म्यू, म्यू कितना है, वन बाई टू है, तो माइनस वन बाई टू, लैम्डा वन बाई टू है, तो लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला प्लस म्यू, प्लस म्यू की जगह माइनस हाफ है, तो आ गया, और नीचे एज इट इज ये हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई वाला से ई वाला से वन बाई टू कॉमन आ जाएगा, डी एक्स लगा दीजिए ना, तो बाहर कर लीजिए वन बाई टू पूरा पूरी, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। और एक टर्म ये वाला बचा, यहाँ पे वन बचेगा, माइनस वन है ना। अब क्या कीजिए, थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इस नीचे वाला पार्ट जो है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है, इसका डिफरेंशिएशन तो ये ही है, ये है, तो ये वाला पार्ट को एक यहाँ पर बांट दीजिए और इसमें बांट दीजिए, ठीक है। नीचे वाला इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, तो उसी तरह कर दीजिए, तो ये वन बाई टू हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। और इसमें अगर बांटेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ गया, ठीक है, डीएक्स। अब इंटीग्रेशन को ही आप डिवाइड कर दीजिए, ये वन बाई टू, ये वन बाई टू पूरे में है ना, वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डीएक्स, और माइनस ये वन बाई टू दोनों में था, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। अब देखिए पूरा तरह से आपका टूट गया है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया वन बाय क्वाड्रेटिक वाला, जो आपको फर्स्ट वाला बताया था, रेशनल फंक्शन ऑफ द टाइप वन, ये वन बाय क्वाड्रेटिक में टूट गया, इसको उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। और ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिख रहा है, देखिए कैसे दिख रहा है, सो है ना, वन बाय टू, कुछ नहीं करना, नीचे वाला को टी पुट कर दीजिए, ऊपर वाला डेरिवेटिव इंटू डी एक्स है, देखिए है 2x प्लस वन, इसको अगर t पुट करेंगे तो डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो डी टी अपन टी में आ गया, देखिए डी टी अपन टी हो गया। अब माइनस वन बाई टू, आप देखिए यहाँ पे वन बाई क्वाड्रेटिक है, वन बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए क्या नियम बताए हैं, पहले परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे कंप्लीट होता है ये बताइए हमको, तो ये आ जाएगा वन अपॉन परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए डेरिवेटिव का स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाय फोर है, तो इसका निकाल लेते हैं, थोड़ा साइड में यहाँ पे देखिए हम परफेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो है, जीरो नहीं है, है ना, इसको डेरिवेटिव का स्क्वायर मतलब टू एक्स प्लस वन माइनस डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कितना देखिए, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, और अपॉन फोर ए, फोर इंटू ए, ए की जगह वन है, ठीक। तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस, ये देखिए एक और चार माइनस तीन, और ये एक माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस तीन हो जाएगा बाय चार। अब क्या बताए हैं, ये चार को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो टू एक्स प्लस वन अपॉन फोर हो जाएगा, ये ऊपर में स्क्वायर है, प्लस थ्री बाय फोर है। ये नियम आपको पहले ही बता चुके, जब लेक्चर रेशनल फंक्शन टाइप वन बता रहे थे, ये चार घुस जाएगा इसके अंदर कि टू बन के, है ना, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस रूट थ्री बाय
टू का स्क्वायर, ये टूट गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में टूट गया। अब इसको आप टू टू काट के इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई टू है ना का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, इसको यहाँ पे छाप दीजिए पूरा पूरी। तो एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री अपन टू का स्क्वायर, ये डी एक्स हो गया। ठीक, अब तो आसानी से बन गया, ये देखिए वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, फॉर्मूला लगा दीजिए। और ये तो आपको भाई ये डी टी बाई टी लॉन मल्टी होता है, ठीक है। तो कहाँ सॉल्व करें, तो इधर सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे हम, है ना, यहाँ पे देखिए सॉल्व कर दे रहे वन बाई टू, और डी टी बाई टी कितना होता है लॉन मॉड टी, लॉन मॉड टी, और इधर माइनस वन बाई टू, और ये वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो क्या होता है बताइए, तो वन बाई ए, और ए की जगह क्या है रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स कितना, एक्स प्लस वन बाई टू, एक्स प्लस वन बाई टू अपॉन ए की जगह कितना रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए टू और टू कट जाएगा, और t को वैल्यू हम लोग पुट कर देना, जगह एक्चुअली मिल नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। अगर नोट करना चाहे तो कर लीजिए, देखिए ये वन बाई टू हो गया ये लॉन, और t की जगह क्या माने बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो गया इसके मॉड के अंदर में, और माइनस वन बाई टू, और टू नहीं बचा या फिर रूट थ्री बचा, वन बाई रूट थ्री, टू टू कट गया, टेन इनवर्स ऑफ, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, ये टू एक्स प्लस वन बाई टू हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन बाई टू हो जाएगा, और ये रूट थ्री बाई टू है, ऐसे टू टू कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा नीचे रूट थ्री और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू क्या है और क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू हम लोग का है, इंटीग्रल ऑफ फोर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। तो इस लीनियर को हम लोग को क्या करना होता है, फोर एक्स प्लस वन को क्या करेंगे, लैम्डा टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, मतलब डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, और प्लस म्यू करना है, तो इससे हम लोग क्या आ जाएगा, फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू लैम्डा एक्स प्लस थ्री लैम्डा प्लस म्यू। अब यहाँ से x वाला को x के साथ कंपेयर कर दीजिए, कांस्टेंट वाला को कांस्टेंट के साथ कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू टू लैम्डा एक्स आ गया, यहाँ से x x कट गया, टू टू कट जाएगा, लैम्डा का वैल्यू टू आ गया, और यहाँ पे थ्री लैम्डा प्लस म्यू जो है कांस्टेंट वाला पार्ट, इसको ये कांस्टेंट वाला वन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, लैम्डा का वैल्यू टू है तो तीन दुना छः प्लस म्यू इज इक्वल टू वन हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू माइनस पाँच हो जाएगा, एक छः माइनस पाँच, ठीक है। तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ गया, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ये पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू कितना आ गया है टू, म्यू का वैल्यू माइनस पाँच, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखिए लैम्डा और म्यू का वैल्यू किस तरह से पुट करेंगे। ऊपर वाला क्या लिखना है, लैम्डा टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, मतलब टू एक्स प्लस थ्री, और प्लस म्यू, म्यू का वैल्यू माइनस पाँच है तो प्लस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन इंटू डी एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है खाली, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे बताइए हमको, तो ये हो गया टू टाइम्स, इसको अलग अलग कर दीजिए ना, यहाँ पे नीचे वाला जो पार्ट है ये डी टी अपन टी बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, इस वाला पार्ट को हम इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हम इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या फ़ायदा होगा डिस्ट्रीब्यूट करने से, कि एक तो हम लोग डी टी बाई टी बन जाएगा जैसे पिछला क्वेश्चन में बना था, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स टू एक्स प्लस थ्री, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन, ठीक है, और माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स है ना, थ्री एक्स है, ठीक। अब ये टू थोड़ा सा बाहर कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स, और इसमें पाँच बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इंटीग्रेशन भी डिवाइड कर दिए, ठीक है, दो इंटीग्रेशन बन गया, आसानी से नहीं बन जाएगा, ये तो हो गया वन बाय क्वाड्रेटिक
जो आपको फॉर्मूला लगा करना, पहले परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है। इसमें क्या करना होगा, ई वाला टी मान लेंगे, ऊपर वाला डेरिवेटिव इंटू डी एक्स है, देखिए डी टी हो जाएगा, डी टी बाई टी ए लॉन मॉड टी हो गया। इसको वन बाय जो भी टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये तीनों में से एक चीज़ में टूटेगा, उसको फॉर्मूला लगा सॉल्व कर देंगे। सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर वन था, क्वेश्चन नंबर टू भी बनेगा। ये आपको खुद से बनाना, ये हम लोग इसको आपको कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। आधा तो हम कर दिए, आगे आपको खुद से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार बना के टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं है, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपके लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिए, थोड़ा सा अलग है, रिड्यूसिबल वाला है ना। क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं हम लोग, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स पावर फोर माइनस नाइन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका वन ना ही आपका लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, और मतलब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में सॉल्व करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, देखिए इस एक्स पावर फोर माइनस नाइन को जो है इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और दो इंटीग्रल में तोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स पावर फोर माइनस नाइन, और ये हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन एक्स पावर फोर माइनस नाइन। अलग अलग तोड़ दिए, कोई दिक्कत है आपको, किसी किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा होगा। देखिए अलग एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, प्लस एक्स अपॉन एक्स पावर फोर माइनस नाइन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हम डिवाइड कर दे रहे हैं, एक्स क्यूब अपॉन एक्स पावर फोर माइनस नाइन डी एक्स, और इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स पावर फोर माइनस नाइन डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाला को टी पुट करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए बताते हैं, अगर आप इसको टी पुट करेंगे माने एक्स पावर फोर माइनस नाइन को, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। इन ऊपर में है कितना, सिर्फ एक्स क्यूब है, तो हमको फोर एक्स क्यूब लाना है, तो चार से मल्टीप्लाई और चार से डिवाइड, ठीक। इधर का खेल हो गया, ये टी हो गया, ऊपर डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, डी टी बाई टी लॉन मॉड टी में टूट जाएगा, ठीक। यहाँ पे आइए, यहाँ पे नीचे चार डिग्री ऊपर एक डिग्री, करना क्या होगा, काम कैसे हम लोग होता है, दो डिग्री एक डिग्री करके होता है, ठीक है। तो उसी टाइप से हम लोग करेंगे, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल के लिए, इस इंटीग्रल के लिए पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अगर आप हम एक्स स्क्वायर को अगर टी पुट कर देंगे, थोड़ा टी यहाँ पर तो हो गया, टी की जगह हम पी पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, पी पुट कर देंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अब आगे थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। ये वन बाई फोर है इंटीग्रल, इंटी टी हो गया, ऊपर डी टी हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव इंटू डी एक्स, ये वाला पार्ट डी टी में टूट जाएगा, ठीक है। तो डी टी बाई टी हो गया, और प्लस अब देखिए हो गया ऊपर में एक्स, और ये एक्स स्क्वायर को क्या पुट करने बोले हैं, पी पुट करने बोले हैं, तो ये पी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस नाइन, ये डी एक्स, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे पी पुट किए हैं तो टू एक्स डी एक्स डी पी होगा कि नहीं, डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी पी होगा कि नहीं, एकदम होगा। तो यहाँ पर एक्स है, हमको क्या चाहिए, टू एक्स डी एक्स चाहिए, तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड। अब अगर हम इसको क्या एक्स स्क्वायर को पी पुट किए हैं तो डेरिवेटिव इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी पी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए तो ज़्यादा फायदा है, तो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, पी पुट करेंगे तो टू एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, ये वन बाई फोर इंटीग्रल डी टी अपॉन टी प्लस वन बाय टू इंटीग्रल वो डी पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस नाइन हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से लिखे, वन बाई पी स्क्वायर नाइन माइनस नाइन इंटू डी पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये तो आपका टूटा हुआ है लॉन मॉड टी में, लेकिन ये नहीं टूटा हुआ है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, नौ को लिखेंगे तीन का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो टूटा हुआ है, तो इसको हम फॉर्मूला लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वन बाई फोर लॉन मॉड टी डी टी बाई टी लॉन मॉड टी, ठीक है। या तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, वन बाई टी इंटू डी टी है ना, वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉन मॉड टी, ठीक है। और प्लस वन बाई टू, ये वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो क्या होता है बताइए, तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू ए नीचे कर देते हैं ना,
प्लस वन बाई टू तो है ही, और वन बाई टू इंटू ए कितना है, तीन है। उस पर होता है लॉन मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, मतलब पी माइनस थ्री बाई पी प्लस थ्री और प्लस सी। अब पी का जो वैल्यू है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे और टी का जो वैल्यू है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, और सब्सटीट्यूट करने के बाद जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका वन बाई फोर लॉन मॉड टी, किसको माने चेक कीजिए, तो टी माने एक्स पावर फोर माइनस नाइन को, एक्स पावर फोर माइनस नाइन को प्लस, ये आपका आ गया, ये हो गया दो दो ने चार चार तीन बारह हो जाएगा, तो एक बटे बारह लॉन मॉड। अब देखिए पी माइनस थ्री बाई पी प्लस थ्री, पी किसको माने हैं थोड़ा सा चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर को पी माने है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और इधर प्लस सी, ये हम लोग का आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, इंटीग्रल ऑफ वन बाय टू ई का पावर टू एक्स प्लस थ्री ई का पावर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, तो क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, वन अपॉन टू ई का पावर टू एक्स प्लस थ्री का पावर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यही सोच रहे हैं सर ई पावर एक्स को टी पुट कर दीजिए, ई पावर टू एक्स जो ई का टी स्क्वायर हो जाएगा तो ये नीचे वन बाई क्वाड्रेटिक में टूट जाएगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहते, थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर आप ऐसा करना चाहें तो वन बाय टू और ई पावर एक्स को अगर आप टी पुट कर देंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे हम लिख देंगे ये ई का पावर एक्स को टी पुट करेंगे तो ई का पावर टू एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस वन इंटू डी एक्स है। अब नीचे टी का फॉर्मेट में आ गया, ऊपर में डी एक्स है, हमको यहाँ भी डी टी करना होगा। तो अगर हम ई पावर एक्स को टी पुट किए हैं तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स डी एक्स ही डी टी हो जाएगा। लेकिन डी टी करने के लिए हमको क्या चाहिए, ई पावर एक्स इंटू डी एक्स चाहिए, लेकिन भैया वन इंटू डी एक्स डी टी तो हो भी नहीं करेगा, तो फिर करेंगे कैसे, मतलब ई वाला फॉर्मेट से काम नहीं चलेगा। अगर ऊपर में ई पावर एक्स रहता तो बड़ी आसानी से बन जाता, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग और दिमाग लगाएंगे इसमें। क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन ये ई पावर टू एक्स, ई पावर एक्स जो है नीचे कर दीजिए, ठीक है, टू अपॉन ई का पावर माइनस टू एक्स चलेगा, ये नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस थ्री अपॉन ई का पावर माइनस एक्स नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा और प्लस वन। अब नीचे वाला पार्ट को आप एलसीएम ले लीजिए, कैसे, देखिए वन अपॉन नीचे वाला पार्ट को क्या करेंगे, e का पावर माइनस टू एक्स एल सी एम आ गया, है ना। तो जैसे e का पावर माइनस टू एक्स एल सी एम आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो टू हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे e पावर माइनस एक्स से डिवाइड कीजिए इसको तो e पावर माइनस एक्स होगा, e पावर माइनस एक्स इंटू थ्री कितना हो जाएगा, थ्री e का पावर माइनस एक्स, ये एल सी एम है और ये नीचे वन यहाँ पे है तो वन इंटू e का पावर माइनस टू एक्स इंटू वन, तो हो जाएगा e का पावर माइनस टू एक्स, ठीक है, e का पावर माइनस टू एक्स और इधर डी एक्स है। अब देखिए थोड़ा सा आपको मामला समझ में आ रहा होगा, और ई का पावर माइनस टू एक्स चल जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा आपका ई का पावर माइनस टू एक्स प्लस थ्री का पावर माइनस एक्स और प्लस टू यहाँ पे डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा पूरी मामला समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि अगर अब आप ई का पावर माइनस एक्स को टी पुट कर देंगे तो आपका पूरा पूरी मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि ई का पावर माइनस एक्स को क्या करेंगे अब हम लोग टी पुट कर देंगे, तो ई पावर माइनस एक्स को जैसे ही टी पुट करेंगे इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर में हमको क्या चाहिए, माइनस ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स तभी डी टी होगा, लेकिन यहाँ ई का पावर माइनस टू एक्स, ई का पावर माइनस एक्स तो है ही नहीं है तो टू एक्स, तो इसको एक काम कीजिए, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ई पावर माइनस टू एक्स को लिख सकते हैं इस तरह से, ई का पावर माइनस एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स सेम चीज़ है, ई का पावर माइनस टू एक्स फिर से आ जाएगा क्योंकि बेस अगर सेम रहने से पावर ऐड होता है, ठीक है। चलिए तो ई का पावर माइनस एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स, अब ई वाला पार्ट तो डी टी हो जाएगा आपका, ई वाला पार्ट, ई वाला ई का पावर माइनस ई माइनस ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स है, इसको डी टी लिख सकते हैं, तो एक माइनस यहाँ पे लगा दीजिए और एक माइनस यहाँ पे और लगा दीजिए क्योंकि नेगेटिव माइनस चाहिए, तो इस माइनस को यहाँ पे हम अंदर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरी डी टी हो जाएगा, ठीक है। और ये ई का पावर माइनस एक्स तो टी है ये है और नीचे ई का पावर माइनस एक्स को टी पुट किए ही हैं, तो देखिए ये क्या निकल के आएगा रिजल्ट आपका, ये को माइनस है एक्स्ट्रा और ई पावर माइनस एक्स को टी माने हैं और ये पूरा पूरी हो गया डी टी
और नीचे आपका देखिए e का पावर माइनस टू एक्स, ई का पावर माइनस एक्स को t माने हैं तो e का पावर माइनस टेक्स क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, ये t और पूर्व में स्क्वायर है ना, इसको इस तरह से बोलेंगे, देखिए e का पावर माइनस एक्स और टोटल में स्क्वायर लिख सकते हैं, तो टी स्क्वायर हो गया प्लस थ्री टी और प्लस टू, और ये डी टी थोड़ा सा बाहर कर दीजिए इधर, ठीक। अब देखिए आपका पूरा पूरी फॉर्मेट में आ गया, किसको पुट किए हैं टी, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं है ना, माइनस सॉरी ई का पावर माइनस एक्स को टी पुट किए, बाद में हम लोग को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा तो हम लोग को काम आ जाएगा, इसको हटाइए यहाँ से। अब देखिए ये क्या आ गया, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक आ गया, तो टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू और ऊपर में टी है, तो फिर क्या करेंगे लीनियर अपन क्वाड्रेटिक करने के लिए, अब पूरा प्रोसेस वही करना पड़ेगा जो क्वेश्चन नंबर वन में किए थे, यहाँ तक तो हम लोग को रिड्यूस करके लाना पड़ा, ये रिड्यूसिबल टू लीनियर अपन क्वाड्रेटिक है, रिड्यूस करके यहाँ तक हम लोग इसको ले आए, तो इस टी को क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस म्यू, और फिर हम लोग को लैम्डा और म्यू को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, लैम्डा म्यू जैसे हम लोग को कंपेयर हो जाएगा फिर हम लोग पुट कर देंगे तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर एक बन जाएगा वन बाय क्वाड्रेटिक और एक बन जाएगा डी टी बाय टी, लॉन टी और लॉन मॉड टी हो जाएगा, इस तरह से हम इसको तोड़ के बनाएंगे, तो इसको हम लोग इसको आप कॉमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइएगा, बाकी आपका प्रोसेस यही है, ठीक है, सेम है जैसे था एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, शायद यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो इसको आप वही प्रोसेस से बनाएंगे, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, फाइव और सिक्स आपको हम बता देते हैं, ठीक है, इसको आप नोट करना चाहे तो कर लीजिए, है ना, लेकिन इसको पूरा जरूर कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा जरूर, ठीक है, कि क्या आंसर आ रहा है आपका। बस रिड्यूस करने में ही थोड़ा सा मेहनत था, बाकी आगे का वही प्रोसेस है, तो आप आसानी से उसको कर लेंगे, है ना। चलिए हम एक ही क्वेश्चन में, एक ही टाइप का क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये YouTube है और YouTube में जो है हम लोग को वीडियो को ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप बात को समझिए, तो इसको कॉमेंट बॉक्स में आप जो है दीजिएगा उसको आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव को देखिए, ये हम लोग को देखिए दूसरा टाइप है, इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा पहले इसको प्रोसेस हम समझा देते हैं आपको, तो इसका प्रोसेस पहले देख लीजिए, है ना, ये हम लोग को वही टाइप फोर है ना, इस पर टाइप फोर लिख दे रहे हैं, इसमें इसका थ्योरी पहले समझा देते हैं, इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका होता है इंटीग्रल अपन पी एक्स अपन ये हो गया इधर क्वाड्रेटिक, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और ये पी एक्स का डिग्री क्या बताएं, इसका डिग्री जो है ग्रेटर इक्वल टू टू होगा, टू या टू से बड़ा होगा, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा नीचे वाला का, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा आपको कम डिग्री में, ठीक है, ये ज्यादा दो या दो से अधिक डिग्री में है तो आपको इसको कम डिग्री में रिड्यूस करना पड़ेगा, तो कम डिग्री में रिड्यूस करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिविजन मेथड से और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जिस क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे क्या आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं, थ्योरी इसमें समझा दिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर नीचे ऊपर डिग्री बराबर रहा फिर भी, या तो फिर मतलब ऊपर का डिग्री बराबर रहा या ऊपर का डिग्री नीचे से बड़ा रहा, ठीक है, तो भी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस वाला को इससे डिवाइड कर दीजिए लॉन्ग डिवीजन में, पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन ये नहीं है, आपको हम समझा देते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इसको डिवाइड कर दीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस वन से, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब और वन इंटू एक्स हो जाएगा कितना जो माइनस एक्स, ठीक है, इसे माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये एक्स एक्स कट जाएगा, ये टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं तो टूट गया आसानी से, अब ये दो डिग्री या एक डिग्री अब डिवाइड थोड़ी लगेगा, तो ये टू एक्स प्लस वन हो गया, यहाँ पे एक्स आ गया, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, पूरा पूरी यही पार्ट में आपका टूट जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन को किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन में लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका बड़ा आसानी से टूट गया है ना, तो अब देखिए ये मामला क्या होता है, नीचे वाला की तरह ऊपर वाला आ गया है, वो आ जाने से क्या फ़ायदा हुआ, देखिए अब यहाँ से इंटीग्रेशन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, अब इंटीग्रेशन में आते हैं, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन दिस इंटू दिस प्लस दिस, ये आपका डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर आपका डिविडेंड हो गया है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन और नीचे आपका क्या चीज़ है, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये देखिए आपका कितना आसानी से टूट गया है,
कुछ नहीं करना पड़ा इसमें। और इस वाला भाई साहब को एक्स स्क्वायर प्लस वन को ये वाला जो है इन दोनों में डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम डिवाइड करके लिख रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये डी एक्स हो गया और इधर भी डी एक्स हो गया, ठीक है। छोड़िए इसको, बाद में इंटीग्रेशन को बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, डी एक्स हो गया, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आसानी क्या हो गया कि ये वाला गया कट के, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बच गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन डिवाइड कर दे रहे, एक्स डी एक्स हो गया प्लस इंटीग्रल ऑफ टू एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब देखिए नीचे वाला डिग्री दो है, ऊपर में अपने आप कम हो गया उससे, ठीक है। तो डिवाइड करने से क्या फ़ायदा हो गया, तो नीचे वाला का डिग्री और ऊपर वाला का डिग्री नीचे से कम हो गया, बस इसीलिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्स डी एक्स तो आसानी से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, इसमें तो कुछ करना नहीं, इसको भी रहने देते हैं। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन है और इसको अगर टी पुट करेंगे तो डेरिवेटिव इनटू डी एक्स डी टी चाहिए हमको, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं रहा, तो एक्स स्क्वायर का अगर टी पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर को, तो डेरिवेटिव डी एक्स मतलब टू एक्स डी एक्स डी टी चाहिए, तो टू एक्स तो है लेकिन वन एगो एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो वन एक्स्ट्रा को हमको भगाना पड़ेगा, तो वन जो एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा सा भगा देंगे, तो टू एक्स डी एक्स अपने यहाँ पर डी एक्स है ना, तो वन अगर एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ पे हटा देते हैं। अगर यहाँ पे इसको हटाना चाहेंगे तो सिर्फ टू एक्स चाहिए हमको और वन हमको नहीं चाहिए, तो इस वन में भी इसको हम यहाँ पे अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। अब बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर इस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन को इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे और वन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिर्फ टू एक्स हो जाएगा और वन वो अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कहाँ लिखेंगे वो हम थोड़ा सोच लेते हैं, कहाँ लिखेंगे इसको, यहाँ लिखते हैं, ये इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स हो गया प्लस ये आपका हो जाएगा टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स और ये वन में चल गया तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब देखिए तीन टुकड़ा में तोड़ दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस टी जो यहाँ पुट कर रहे थे इसको यहाँ पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, बच गया ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट सॉल्व हो गया, तो तीनों सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए भाई साहब एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस डी टी बाय टी माने लॉन मॉड टी प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है वन बाय टू है, वन बाय टू इंटू ए कितना वन है देखिए, ठीक है। तो वन छोड़ देता है, लॉन मॉड एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए और प्लस सी, ठीक सॉल्व हो गया। टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाय टू लॉन मॉड टी किसको माने हैं थोड़ा चेक कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को माने है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन को माने हैं और प्लस वन बाय टू लॉन एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन के अंदर मॉड के अंदर ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। किस तरह से सॉल्व करेंगे देख लीजिए, इसमें नया क्या था बस डिवाइड करना, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला डिग्री ज़्यादा था, ठीक है। ये आपको सॉल्व कर लेना, नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं लास्ट। हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स हम लोग का है ये, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी हम लोग का टाइप फोर का है प्लस थ्री और ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। इसमें भी देखिए दोनों का डिग्री बराबर है, इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा हमको, ऊपर का डिग्री कम करना होगा किसी भी हाल में तभी आपका सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। और लिनियर बाय क्वाड्रेटिक में तो ऑलरेडी कम रहता है तो दिक्कत ही नहीं होता, उसमें तो प्रोसेस बता ही दिए। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना, डिवाइड करना है, ठीक है, ऊपर वाला को नीचे से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम साइड में डिवाइड कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पे हम, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री है ना, इसको डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू से, ठीक है। ये एक बार में जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तीन एक्स हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, माइनस कीजिए ये कटेगा, पाँच एक्स में तीन एक्स हो गया तो दो एक्स बचेगा, तीन में दो हो गया तो एक बचेगा, और तो कहीं सीन ही नहीं है ना। तो ये हम लोग को क्या बन जाएगा देखिए, एक्स पावर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, दिस इंटू दिस एक प्लस टू एक्स प्लस वन,
ठीक है, लिख देंगे इसी टाइप से। तो देखिए क्या फ़ायदा हो जाएगा, फ़ायदा तो होगा, देखिए क्या फ़ायदा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री क्या लिखेंगे, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है, कोशेंट तो वन है तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, और प्लस म्यू सॉरी टू एक्स प्लस वन है ना, और नीचे हम लोग क्या है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। अब देखिए कुछ नहीं करना है भाई साहब, अलग अलग तोड़ दीजिए, ये तो पूरा एगो एगो है, ये है इसको इधर भी दीजिए और इसको इधर भी दीजिए, ठीक है। तो तोड़ने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, नीचे भी वही चीज़ है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू और प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक है, ये पूरा कट गया, ये बच गया वन इंटू डी एक्स प्लस। अब बताइए यहाँ पे इधर तो कट के वन हो गया, अब ये बताइए देखिए ऊपर वाला डिग्री नीचे से कम हुआ कि नहीं, हो गया ना, डिवाइड करने से ही हो जाता है, तो उस हिसाब से अगर नीचे वाला को टी पुट करेंगे तो ऊपर में डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी टी चाहिए, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे अगर इसको टी पुट करेंगे तो इसको अगर हम टी पुट करेंगे तो टू एक्स प्लस थ्री चाहिए ऊपर में, डेरिवेटिव टू एक्स प्लस थ्री चाहिए, तो टू एक्स प्लस थ्री तो है नहीं, टू एक्स प्लस वन है, तो करना पड़ेगा। तो करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर इसको यहाँ टी पुट करेंगे चाहिए हमको टू एक्स प्लस थ्री, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस थ्री ऐड कर दीजिए और प्लस थ्री माइनस थ्री कर दीजिए, बात बराबर रहेगा अभी तक, ठीक है। तो अब ये देखिए टू एक्स प्लस थ्री तो यहाँ हो ही गया, ठीक, और ये वन माइनस थ्री माइनस टू हो जाएगा, देखिए एक स्टेप और कर दे रहे हैं हम, है ना, इंटीग्रेशन आप तोड़ दे रहे अलग अलग से, तो टू एक्स प्लस थ्री तो ये वाला हो ही गया, ये वाला और ये वाला, और एक माइनस तीन हो गया माइनस दो, और होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। अब देखिए एक टुकड़ा में और टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये वाला जो है जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे इसमें भी दीजिए और इसमें भी दीजिए, ठीक है। तो तोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे वन इंटू डी एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स, और प्लस ये माइनस टू है तो माइनस टू में भी जाएगा, तो ये हम लोग आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ, या माइनस टू है तो बाहर माइनस कर दे रहे, ठीक है, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, अब हम ऊपर मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो दो को इंटीग्रेशन, तो देखिए दो पार्ट का तो इंटीग्रेशन सूझ रहा है झकझक, तीसरा वाला में देखिए वन बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, उसको अलग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, हम कर दे रहे हैं सॉल्व, देखिए क्या होगा, ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन देखिए अगर इसको टी पुट करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसको टी पुट कर दीजिए, ये डेरिवेटिव है इंटू डी एक्स से, ये डी टी हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये वन बाय क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं हम, ठीक, तो इंटीग्रल वन डी एक्स प्लस इंटीग्रल डी टी अपन टी प्लस, इधर प्लस नहीं माइनस, माइनस टू वन अपॉन क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक को, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके करते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और वही करना पड़ेगा, ये देखिए डेरिवेटिव का स्क्वायर मतलब टू एक्स प्लस थ्री माइनस डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कितना है बताइए तो बी स्क्वायर मतलब नौ माइनस फोर इंटू ए कितना वन है और सी कितना है टू है, फोर ए सी फोर अब सॉरी फोर ए सी हाँ ठीक तो है और बाय फोर है तो फोर, ठीक, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर। ये पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसको हमको पुट करना, ये कैसे होता है ये आपको हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, ठीक है। ये टू अंदर घुस जाएगा, है ना, ये चार के अंदर, चार दोनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो नौ है चार दोनों आठ, एक बच गया, तो नौ में आठ गया तो एक, ठीक है, माइनस एक हो जाएगा, माइनस एक एक अपॉन चार, ठीक है, नौ में आठ गया एक और इधर माइनस है, तो एक बटे चार को लिखेंगे एक बटे दो का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला मामला में टूट गया है, और इस टू को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये टू टू कट जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्स प्लस थ्री बाय टू का स्क्वायर माइनस वन बाय टू का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे इस वाला भाई साहब के बदले आप इसको पुट कर दीजिए, क्योंकि हम परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड बताएं आपको, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस थ्री बाय टू का स्क्वायर माइनस वन बाय टू का
स्क्वायर, ये वाला बात आपको हम पहले ही समझा चुके हैं, इसलिए हमको यहाँ पे कमेंट में इसको नहीं पूछेगा कि कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर शुरू का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये बात हम पहले ही आपको बता दिए। अब कुछ नहीं है तो सीधा सीधे सॉल्व करना, इंटीग्रेट कीजिए। अब देखिए वन का हो जाएगा एक्स डी टी बाई टी लॉन मॉड टी माइनस टू, अब ये हो गया वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है बताइए तो, वन बाय टू है, टू इंटू ए कितना एक बटे दो है, लॉन मॉड एक्स माइनस ए, तो एक्स प्लस थ्री बाय टू एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, एक्स प्लस थ्री बाय टू प्लस वन बाय टू और प्लस सी। अब जो भी सॉल्व होगा सॉल्व कीजिए, है ना, एक्स प्लस लॉन और टी की जगह क्या रखें, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, है ना, ये टी का वैल्यू आ गया और टू टू गया तो बचेगा माइनस टू लॉन। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए ना, ये कितना डेढ़ है, ये आधा है ना, तो एक बचेगा, है ना, तो ये एक्स प्लस वन हो जाएगा और इधर एक्स, ये डेढ़ है और ये आधा है, कितना हो जाएगा दो हो जाएगा प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम घेर दे रहे हैं, ये हम लोग का आंसर है, इसको आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे आपसे एक नए टाइप के साथ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।